इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। आरबीआई ने 2017-18 के लिए देश के विकास अनुमान को घटा दिया। जीवीए को 7.3% से घटाकर 6.7% कर दिया गया है। हालांकि रचनात्मक सुधारों की मांग ने सरकार पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी डाल दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आलोचकों की आलोचना करते हुए कहा कि यूपीए की पिछली सरकार के तहत ये दर 8 बार इस स्तर तक गिरी थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि बलात्कार, हत्या, डकैती और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराधों में आपराधिक कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर दोनों दल अपने बीच के विवाद को सुलझा भी लेते हैं तो भी ऐसे अपराध निजी नहीं माने जा सकते। इसमें कहा गया है कि धोखाधड़ी के मामलों ने देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी में दरार डाल दी है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर कम करने के बाद केंद्र सरकार चाहती है कि उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए राज्य सरकारें सेल्स टैक्स या वैट में 5% तक की कटौती करें। राज्य सरकारें वैट को विज्ञापन शुल्क के तौर पर लगाती हैं, जो हर बार बढ़ाया जाता है, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि होती है। कांग्रेस ने जोर देकर कहा है कि पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए उपाध्यक्ष राहुल गांधी निर्विवाद विकल्प हैं। हालांकि ये भी कहा गया है कि एक लोकतांत्रिक दल होने के नाते किसी भी नेता को संगठन के चुनावों में उनके खिलाफ लड़ने की इजाजत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। फिजिक्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले और बाद में पेशेवर बैंकर बने रजनीश कुमार अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन होंगे। फिलहाल वो नेशनल बैंकिंग ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर्स में से एक हैं और अब वो अरुंधति भट्टाचार्य का स्थान लेंगे, जिनका विस्तारित कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो रहा है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़े एक अस्पताल में सर्जरी के लिए आए मरीजों को बेहोश करने के लिए इलाज के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड गैस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी इजाज़त चिकित्सा के लिए नहीं दी जाती। 6 से 8 जून के बीच सर्जरी वार्ड में कम से कम 14 सर्जरी के रोगियों की मौत होने पर की गई जांच में इसका पता चला है। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरला में बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्याओं के लिए केरला सरकार की निंदा की और साथ ही उन्होंने लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं की संख्या से ये साबित होता है कि राज्य में हत्यारों को सुरक्षा दी जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मामले में संबंधित सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में कहा गया है कि इस साल मई, जून और जुलाई के महीनों में विदेश यात्रा के दौरान कार्ति ने ये गड़बड़ की। भगोड़ा माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर और उसके भाई अनीस को जबरन वसूली मामले में वांटेड घोषित कर दिया गया है। ये मामला इनके छोटे भाई इकबाल कास्कर के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसे पिछले महीने उसके मुंबई वाले घर से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में इनकी भागीदारी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान मूल के बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी, जो आधे कश्मीरी हैं, शनिवार को श्रीनगर की डल झील के तट पर संगीत का एक कार्यक्रम पेश करेंगे। इस प्रदर्शन का मकसद है कि कश्मीर घाटी एक जीवंत सांस्कृतिक स्थान है और इसे सिर्फ आतंकवादी हिंसा से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।